और उस खातून का एक नाम था, बड़ी बड़ी इंडियन मूवीज में वो कोरियोग्राफी करती थी। कई दहाइयों से वो ये काम कर रही थी अपने फील्ड में, एक ब्रांड थी तो फीस भी काफ़ी वसूल करती थी। इसके अलावा प्राइवेट तौर पे डांस क्लासेस में नौजवान बच्चे बच्चियों जो कि फिल्मों में काम करने के ख्वाहिशमंद होते, उनको वो डांस सिखाती और जाहिर सी बात एक हैंडसम अमाउंट फीस की मद में वसूल करती। 80 के दहाई का दौर था, एक नौजवान उसकी डांस क्लासेस की जगह पे आता है और उस खातून से डांस सीखने की ख्वाहिश का इजहार करता है। अपनी तसल्ली करने के बाद जब यह खातून उसे डांस सिखाने के लिए ओके कह देती है तो ये लड़का कहता है कि मैम, मेरे पास गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं, मज़ीद ये कि मैं आपकी फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास तो बस के टिकट के लिए भी पैसे नहीं होते, मैं तो किसी तरह वरार से यहाँ तक आ जाता हूँ, लेकिन मुझे अदाकारी और डांस का जुनून है, मुझे आप मेहरबानी फरमा कर फ्री में डांस सिखा दें, ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रहेगा। ये खातून कोरियोग्राफर जो कि इसे शागिर्दी में लेने से पहले उसका ऑडिशन ले चुकी थी और उसकी अदाकारी और डांसिंग के टैलेंट से आगाह हो चुकी थी, जवाब देती है कि कोई बात नहीं, अगर इस वक्त तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे ना तो मैं तब ले लूँगी, लेकिन गुरु दक्षिणा वसूल ज़रूर करूँगी तुमसे। ये लड़का एक अरसा तक खातून के ज़ेर निगरानी डांसिंग सीखता है, उसमें महारत हासिल करता है, अदाकारी के लिए ऑडिशंस देता रहता है और फिर आखिरकार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उसे ब्रेक मिल जाता है। उसकी एक के बाद एक फिल्म हिट और ये 80 के बाद 90 के अशरों में भी एक कामयाब हीरो के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना लेता है। दूसरी तरफ इसकी गुरु वो खातून जिसने उसे डांसिंग की तालीम दी थी, वो भी कोई गरीब औरत तो थी नहीं कि उसे उस लड़के की ही गुरु दक्षिणा या फीस की कमी होती, लेकिन भी वो लड़का जो था कामयाब फिल्म स्टार बन चुका था और उसे इस खातून की नेकी शुरू से ही याद रही। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और 2002 में एक इंडियन सुपरहिट फिल्म देवदास रिलीज हुई। इसमें एक गाना था ढोलारे, उसकी कोरियोग्राफी भी इसी खातून ने की थी। उसकी कोरियोग्राफी के दौरान ये खातून शदीद बीमार हो जाती हैं। इस मौका पर इस खातून के शागिर्द ने जो कि अब एक कामयाब फिल्मी हीरो था, एक असली हीरो वाली एंट्री डालता है और रात के 2:30 बजे खामोशी से इस खातून की बेटी को एक पार्सल देकर कहता है कि मास्टर को बताना कि तेरा बेटा आया था। व्यूअर्स, वो खातून इलाज मुआलजे के बाद ठीक हो जाती है। बाद में उसे इसी गाने ढोलारे के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड भी मिलता है। वो एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उस पार्सल में से 4 लाख बरामद हुए और साथ में कार्ड जिस पर लिखा था मास्टर अब मैं गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। व्यूअर्स, ये शागिर्द सुपरस्टार गोविंदा था और उस्ताद कोरियोग्राफर सरोज खान थी। व्यूअर्स, कहानी का लुब्बे लबाब यह है, नतीजा ये है, हासिल ये है कि नीयत का खलूस और मेहनत आपको एक ना एक दिन आपकी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। औसन परवरी एहसान याद रखना नस्ली लोगों का असलूब होता है और मोहसन कशी एहसान फरामोशी घटिया और नीच लोगों की खसलत होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ताहिर मिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।